पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर की आधारशिला समारोह के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस एम कुरैशी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण भेजा था, जिसे सिद्धू ने स्वीकार कर लिया है। सिद्धू की ओर से इस संबंध में लिखा गया है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर कुरैशी को मिलना चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने आवेदन विदेश मंत्रालय की अनुमति के लिए भेज दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी के जाफर शरीफ का 85 साल की उम्र में बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया है। जाफर पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर के आधारशिला समारोह में पाकिस्तान के विदेश मंत्री एस एम कुरैशी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को निमंत्रण भेजा था। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है। उन्होंने इसके पीछे पंजाब में हो रही आतंकी हमलों और पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों को निशाना बनाए जाने का हवाला दिया। दीपिका भाभी के लिए ननद ने दी पार्टी, जहाँ डीजे पर जमकर थके दीपवीर। पंजाब के जिला अमृतसर के अधीन आते गांव अगलीवाल में बीती 18 नवंबर 2018 को निरंकारी सत्संग भवन में हुए बम धमाके ने जहां पंजाब के लोगों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की कार्यवाही की पोल खुली है, वहीं इस बम धमाके में तार इटली में बैठे परमजीत सिंह भाभा से जुड़े होने का दावा पंजाब पुलिस की ओर से किया जा रहा है। पंजाब पुलिस के डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि अमृतसर के निरंकारी सत्संग भवन में हुए बम धमाके के कथित मुख्य दोषी अवतार सिंह उर्फ जावेद का संबंध इटली में रहने वाले खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह भाभा के साथ है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राम मंदिर के मुद्दे को कैसे हाईजैक हड़प सकती है। उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जो उत्तर भारतीयों को मारते पीटते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जिन लोगों की मानसिकता मानवता की सेवा करने की नहीं, वह भगवान राम की सेवा कैसे करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। साथ ही सेना को आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी बरामद हुए हैं। बठिंडा की केंद्रीय जेल गोविंदपुरा के बैरक में तलाशी के दौरान 2 कैदियों से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। संदीप सिंह महिमा बगवना और गुरप्रीत सिंह जो कि जगराव के रहने वाले हैं, दोनों की तलाशी के दौरान यह फोन बरामद हुए। बठिंडा स्थित कैंट थाना में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बठिंडा जिला के हल्का मोड़ के अधीन आते गांव घूमना कला में बरगाड़ी जा रही श्रद्धालुओं की एक मिनी बस हादसाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 24 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनको बठिंडा मोड़ और मानसा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। संगरूर प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से करवाई जा रही साइकिल रैली की शुरुआत पुलिस लाइन संगरूर से की है। उल्लेखनीय है कि साइकिल रैली में लगभग 5,000 लड़के लड़के बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, साथ ही पुलिस प्रशासन के लगभग सभी अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया और तंदुरुस्त रहने का न्योता दिया। रैली को कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।